वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। देखिए क्वेश्चन फोर ऑफ एक्सरसाइज 7.1। इसमें क्या है, प्रक्षित मेक्स ए क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन ऑफ साइड्स 5 to 5 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू फॉर्म ए क्यूब। ओके, ये क्यूब बनाया उसने। एक भुजा इसके 5 सेंटीमीटर है, मान लीजिए ये भुजा 5 है, ये इसकी जो ऊपर वाली भुजा है 2 सेंटीमीटर और साइड वाली 5 सेंटीमीटर है। तो इसको हम क्यूब बनाएंगे तो क्या करेंगे, क्यूब की जो भुजाएं हैं बराबर होती, तो आपको इसको बराबर करने के लिए कि सारी भुजाएं बराबर 5, ये भी 5 है तो ये भी 5 हो जाए। अगर ये भी 5 हो जाए तो ये हो सकता है। अब ये 5 कैसे हो सकती, ऐसे कितने और जोड़े जाए इसके अंदर, ठीक है, ताकि ये पूर्ण घन बन जाए। देखिए हम क्या करेंगे, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए लेते हैं, हम ये लेते हैं 2, ये क्या है 2 × 5 × 5 है। अब ये तो घन है नहीं क्योंकि 3 का जोड़ा आना चाहिए इसके अंदर, तो इसको 3 का जोड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे, हमें 2 ये जो 2 है ना 2 और लेने पड़ेंगे, ठीक है, यानी हमको 2 × 2 × 2 ये 2 2 के और लिए और 1 5 का लेना पड़ेगा, ठीक है। 2 × 5 × 5 तो है हमारे पास में, तो उसको क्यूब परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए 3 3 के जोड़े होने चाहिए 2 और 5 के। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 और 2 और जोड़ देंगे, यानी ये हो गया 2 × 2 और जोड़ देंगे और 1 5 जोड़ देंगे। ये हमने जोड़ दिया, जो पहले जो था आपका 2 × 5 × 5 था, इसके अंदर जो है 2 × 2 × 5 ये और गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा, 2 के 1 2 3 हो जाएंगे, 5 के भी 1 2 3 हो जाएंगे, तो ये क्या होगा, 2 × 2 यानी 4 4 × 5 यानी 20, यानी 20 इस तरह के घनाभ और इकट्ठे करेंगे हम, ठीक है, 20 घनाभ इसमें और जोड़ेंगे तब जाकर के ये एक पूर्ण जो है घन बन जाएगा, नहीं तो घन नहीं बनेगा। घर में मतलब घन में क्या होता है कि तीनों साइडें जो है वो बराबर होनी चाहिए तभी घन बनता है वो, या बराबर नहीं हो तो इसमें और जोड़ते जाएंगे ताकि बराबर हो जाए, नहीं कि इस तरह से 5 की ऊंचाई वाले हैं तो इसके अंदर में हम जो है 5 के और जोड़ एक और इसके ऊपर रख देंगे और 2 वाले जो है ना वो भी इधर जो है साइड में 2 और रख देंगे तो भी हो जाएगा। ओके, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 20। क्लियर, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। Please like and subscribe.